हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 1.3 और पार्टिकुलर टॉपिक में इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में स्टडी करने जा रहा हूं कि इन्वर्टिबल फंक्शन होती क्या है और चैप्टर 1.3 के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप लोगों को सबसे पहले मैंने बताया है कि यदि आप किसी भी टॉपिक को समझने चाहते हैं अच्छे ढंग से, तो सबसे पहले उसके कोरेस्पॉन्डिंग टॉपिक के, उसके कोरेस्पॉन्डिंग चैप्टर की वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 एक सीक्वेंस में देखें। इससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए आप लोग हमेशा कोशिश करें कि कोई भी टॉपिक यदि मेरी देखने की कोशिश करें तो वीडियो नंबर 1 से देखने की कोशिश करें, तो आपके कंसेप्ट काफी क्लियर होगी। और मैं आपको बार बार बताया कि ये यूट्यूब चैनल जो है, इस पे आपको बहुत सारे वीडियो हर सेक्शन की मैथमेटिक्स की सॉल्यूशन जो रहेंगे वो डाली जाएगी। जल्द से जल्द सारे वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी। और यह मे बी फ्यूचर में आपको लाइव भी की जा सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको अभी जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं मैं उसके बारे में बता रहा हूं, ठीक। तो सबसे पहले मैं आज बता रहा हूं कि इन्वर्टिबल फंक्शन होती क्या है, उसके बारे में फिर मैं डिस्कस करूंगा। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होती है, सबसे पहले मैंने डिफाइन किया कि इन्वर्टिबल फंक्शन होती क्या है। तो मैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन देने से पहले मैं एक एग्जांपल से लेना चाहता हूं ताकि आप समझ सकते हैं। देखिए, एक मैं फंक्शन डिफाइन करता हूं। मान लें ए कोई सेट है और बी कोई सेट है और ए के एलिमेंट्स ए बी सी डी और बी के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 है। मैं इस फंक्शन को डिफाइन करता हूं, इसका नाम एफ दे देता हूं और ए का इमेज जो है 1 है, बी का इमेज 2 है, सी का इमेज 3 है और डी का भी इमेज 3 है। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन अरेज करता हूं कि यदि ये कोई फंक्शन एफ है तो ये जो एफ डिफाइन है वो इस तरह से डिफाइन है एफ सच दैट फ्रॉम एबीसीडी टू 1, 2, 3। और यहां पे हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और वेयर एफ ए इज इक्वल टू 1, एफ बी इज इक्वल टू 2, एफ सी इज इक्वल टू 3, एफ 4 इज इक्वल टू 3। तो यहां से क्लियर है इस फंक्शन एफ की जो कोडोमेन है वो ए बी सी एंड डी है, सॉरी कोडोमेन कहते हैं डोमेन, और इसकी जो कोडोमेन है वो 1, 2, 3, 4 है, जबकि इसकी रैंक जो है वो क्या है 1, 2, 3 है। मैंने रैंक के बारे में बताया है कि कलेक्शन ऑफ ऑनली दोज एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन विल बी रैंक दैट एसोसिएट्स डोमेन, जो डोमेन से एसोसिएट करता है वही मेरा क्या होता है रैंक होती है। तो 1, 2, 3 रैंक होगी, 1, 2, 3 मेरी कोडोमेन होगी और एबीसीडी मेरी डोमेन होगी और ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन है। अब यहां पर एक कंसीडर करता हूं हम लोग न्यू टर्म कि इस फंक्शन को आप लोग समझ गए। यदि मैं इस फंक्शन को रिवर्स कर दूं, दैट मीन्स इसे मैं यहां ला दूं और इसे यहां ला दूं, तो आप यहां पर क्या कंसिडर क्या कर सकते हैं। अब पहले इस चीज को आप लोग यदि इमेज कर पाते तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। पहले देखिए, अब देखिए यदि मैं इसके रोटेट कर दूं, अब इस एक नया फंक्शन में प्रिपेयर करता हूं इसको, यदि आप समझ गए तो इसको आप थोड़ा सा मेमोराइज करके रखिए, मैं इसको मिटा करके फिर दूसरा चीज में बताने जा रहा हूं। चलिए देखिए, तो इसको मैं मिटाता हूं। सबसे पहले इसे आप याद कर लिया ए वन को, बी टू को, सी थ्री को, डी थ्री को भी एसोसिएट करता। चलिए मैं इसको मिटाता हूं। अब देखिए इसी में एक न्यू फंक्शन को मैं डिफाइन करता हूं। हाँ तो हेलो गाइस, इसमें मैंने बताया कि यहां पे उस फंक्शन को जो मैंने जो डिफाइन किया था वो क्या था कि एफ ए इज इक्वल टू 1, एफ बी इज इक्वल टू 2, एफ सी इज इक्वल टू 3 और एफ डी इज इक्वल टू आल्सो 3। इस तरह से मैंने फंक्शन को इससे पहले वाले में मैंने डिफाइन किया था जिसका नाम मैंने एफ दिया। अब देखो ये जो जी एक रूल को मैं डिफाइन करना चाहता हूं जो कि 1 इमेज ए जस्ट उसके अपोजिट, दैट मीन्स ये जो मैंने ए बी सी डी थी
ये मेरी डोमेन थी और 1, 2, 3 यहाँ पे 4 भी था बट 4 किसी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने क्या किया उसको रेंज के पार्ट में नहीं लिया और उसको मैंने कोडोमेन में ही छोड़ दिया। तो यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ कि 1, 2, 3 जो मेरी ये क्या है रेंज है, अब मैं इस फंक्शन को रिवर्स कर दूं, 1 के लिए ऐसा मैं यदि करूं कि 1 को मैं प्री इमेज बना करके एफ ए को यदि मैं इमेज बना लूं, तो 1 का प्री इमेज यदि मैं 1 रखता हूं तो इमेज एफ है, तो 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी, 4 का इमेज सॉरी और 4 का इमेज जो है मान लिया कि कुछ भी नहीं है क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है उसमें तो मैंने इसे लिया ही नहीं। अब जब मैं नहीं लिया तो क्या ये फंक्शन हो सकती है? तो सबसे पहले ये तो फंक्शन ही है क्योंकि पार्टिकुलर 4 के लिए कोई आउटपुट है ही नहीं। फंक्शन के डेफिनेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए उसका एक ना एक आउटपुट होना चाहिए जो कि नहीं है, इसलिए फंक्शन ही नहीं हुआ सबसे पहली बात। अब देखो तो इसका मतलब हुआ कि यदि मैं रिवर्स में यहां पे कंसीडर करूं कि इमेज को प्री इमेज, इमेज को मतलब प्री इमेज बना करके और प्री इमेज को इमेज बना करके एक न्यू फंक्शन यदि मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले उसमें मुझे ये देखना जरूरी होगी कि वो एक एलिमेंट यदि दो आउटपुट दरमी से ऐसा होता है ना कि दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स डोमेन के दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स यदि एक ही आउटपुट एक ही रेंज से एसोसिएट करती है, एक ही एलिमेंट से एसोसिएट करती है, इन दिस केस यदि मैं रिवर्स करने का कोशिश करूं तो फंक्शन नॉट डिफाइन होती है। अब मैं इसके दूसरे केस कंसिडर करता हूं तो देखो इसके दूसरे केस में क्या है कि यदि मैं उसी फंक्शन में एक दूसरे तरीका से सोचूं तो इसमें मिटा देता हूं, इसे मिटाने के बाद मैं एक न्यू फंक्शन फिर से एक दूसरे टाइप का मैं फंक्शन लेता हूं एग्जाम्पल से। देखिए मुझे मैंने पढ़ाना है इन्वर्टिबल फंक्शन, इसके लिए मैं ये सब बता रहा हूं कि यदि मैं एक ऐसा फंक्शन लू 1, 2, 3 इसमें सिचुएशन एक और हो सकती है बट मुझे मैंने जो टॉपिक का डिस्कशन उस पर मैं चलता हूं, ज्यादा हम लोगों को इधर उधर नहीं करनी है। देखिए मैं यदि एक इस तरह से कोई फंक्शन डिफाइन करता हूं, मान लिया मैं इसका नाम F1 ले लेता हूं और 1 का इमेज A, 2 का इमेज B, 3 का इमेज C और 4 का इमेज यदि D हो और इस फंक्शन का क्या नाम है F1 हो, तो क्या मैं इसे रिवर्स करके इस तरह से A, B, C, D और इधर मैं B दे करके 1, 2, 3, 4 दे देता हूं, तो क्या मैं इसे एक नाम दूसरा कुछ दे करके G दे करके न्यू फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं? तो ओनली एंड ओनली इस केस में जब ए के जितने एलिमेंट्स और बी के जितने भी एलिमेंट्स इंडिविजुअली एसोसिएटेड हो, दैट मीन्स ए का इच एलिमेंट से बी के कोरिस्पॉन्डिंग यूनिक एलिमेंट से यदि एसोसिएट करता है तो उस केस में रेंज को डोमेन मान करके और डोमेन को रेंज मान करके एक न्यू फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और उसका नाम मैंने जी दे दिया। अब यहां पे मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में बताया था, तो यहां पे यदि कंसिडरेबल वाली बात यह है तो इस फंक्शन को मैं यदि इस तरह से डिफाइन करूं ए टू बी तो डेफिनेटली रूप से फंक्शन जी जो होगी वो कहां से कहां डिफाइन होगी बी टू ए। अब यहाँ पे एक चीज मैं निकालने का कोशिश करता हूं, आप लोग देखिए जरा यदि मैं यहाँ पे गॉफ निकालू 1 गॉफ 2 गॉफ 3 गॉफ 4 तो जरा बताइए तो क्या है कि यदि मैं गॉफ 1 निकालू तो क्या है गॉफ जी ऑफ एफ 1 का वैल्यू है ए और ए का वैल्यू फिर 1 तो जी ए बराबर क्या आ गया। उसी तरह से आप गॉप 2 निकालिए तो 2, गॉप 3 निकालिए तो 3, गॉप 4 निकालिए तो 4। सिमिलर वे आप यदि फॉग ए निकालिए तो आपको ए आएगी, फॉग बी निकालिए तो बी आएगी, फॉग सी निकालिए तो सी आएगी, फॉग डी निकालिए तो डी आएगी। तो इसका मतलब
यदि मैं वन लेता हूं तो ये वन ही देता है. और इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं. उसमें भी यदि मैं इस फंक्शन को एफ मानता हूं तो एफ के डोमेन का ही यदि मैं गॉफ निकालता हूं वन के लिए तो वन देता है. और वन जो है एफ का डोमेन है तो दैट मीन्स इसको यदि मैं एक्स के एलिमेंट पर्टिकुलर आर्बिट्री एलिमेंट एक्स मानू इसमें से तो मैं कहूंगा कि पार्टिकुलर एफ एक्स के लिए मुझे एक्स दे. तो इसलिए तो यहां पर देख रहे हैं कि क्यों फंक्शन डिफाइन हुआ. तो इस फंक्शन में क्या हुआ कि यदि कोई फंक्शन इस तरह का हो दैट मीन्स ये फंक्शन कौन सी है आप यदि ऑब्जर्व करो तो यह फंक्शन जो है वन वन एंड वन टू है. वन वन क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट जो है डोमेन का वो सेट भी दैट मीन्स कोडोमेन या ऐसे भी बोल सकते हैं कि हर एक बी के हर एक एलिमेंट से एसोसिएट करता है यूनिकली. सो इट इज अ वन वन फंक्शन. और यदि मैं वन टू की बात करता हूं तो ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसको जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल है सो इट इज अ वन टू फंक्शन. और कोई फंक्शन ये वन टू तो जब कभी कहना मतलब जब कभी भी यदि कोई फंक्शन वन वन एंड वन टू दोनों हो देन वी कैन डिफाइन ए अनदर फंक्शन जी फ्रॉम रेंज टू डोमेन सच दैट फॉग ऑफ एक्स सॉरी गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड फॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई. फॉग ऑफ वाई का मतलब हुआ कि इसके एलिमेंट यदि मैं इसके आर्बिट्री एलिमेंट इसके लिए मैं आर्बिट्री एलिमेंट का नाम मैं यदि एक्स दे दूं और इसके लिए आर्बिट्री एलिमेंट का नाम वाई दे दूं तो मैं देखता हूं कि यदि गॉफ एक्स निकालता हूं तो मुझे एक्स देती है और फॉग ऑफ वाई निकालता हूं तो वाई देती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक न्यू फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है और इसी फंक्शन को बोलते हैं इस जी फंक्शन को इनवर्टिबल फंक्शन दैट मींस जी को कहते हैं इनवर्स ऑफ एफ. और यह कब पॉसिबल होगी जब यह एफ फंक्शन वन वन एंड वन टू दोनों होगी. तो आप समझ गए होंगे कि इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करती है और किस तरह से यह डिफाइन होती है. तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं. इसकी डेफिनेशन है ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेट टू बी इनवर्टिबल इफ there exist a function g from y to x such that gop of x is equal to identity function for all x belongs to a. ठीक तो हम लोगों ने यहां क्या सीखा कि ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई है. तो आपको सबसे पहले कोई फंक्शन इनवर्टिबल है कि नहीं यह चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग को उसका यदि मैं इनवर्स कैसे बोलूंगी और इनवर्स जब हम लोग निकाल लेंगे और देखेंगे कि वो फंक्शन y टू x कोई फंक्शन f फ्रॉम x टू y है तो वो फंक्शन डिफाइन होनी चाहिए y टू x. और इसके बाद वो मुझे gop of x इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x एंड gop of सॉरी gop लिखा गई फॉग ऑफ वाई बराबर जो होनी चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y होनी चाहिए. इन दिस केस वी कैन से दैट f इज ए इनवर्टिबल फंक्शन. यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक नेसेसरी एंड नेसेसरी कंडीशन है कि कोई फंक्शन कब इनवर्टिबल होगी. तो हम लोग यहां पे लिखते हैं यहां पे स्टेटमेंट लिख लीजिए ए फंक्शन विच इज वन वन और यहां पे लिख सकते हैं सीधे हम लोग बायजेक्टिव भी लिख सकते हैं और बायजेक्टिव का मैंने मतलब बता दिया था वन वन एंड वन टू. ए फंक्शन विच इज बायजेक्टिव जो ऑलवेज इनवर्टिबल फंक्शन.
जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगी वो हमेशा एक इन्वर्टिबल फंक्शन होगी। तो ये मेरी स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी इन्वर्टिबल फंक्शंस के। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो कि आपको एनसीईआरटी बुक्स में दी गई है। चलिए हम लोग उसको मिटाते हैं। सबसे पहले देख लिया हम लोग, अब इसके एग्जांपल्स में मैं देखता हूं कि बुक्स का 23 नंबर एग्जांपल्स है। देखिए इसमें कहता है क्या क्वेश्चन है, इफ एफ फ्रॉम नेचुरल टू वाई, एक क्वेश्चन नंबर 23 एग्जांपल्स का देख लीजिएगा चैप्टर वन का, एक फंक्शन एफ जो कि नेचुरल नंबर से वाई डिफाइन की गई है, बी ए फंक्शन में डिफाइन एफ एक्स बराबर 4x+3, यहां पे दी गई है एफ एक्स बराबर 4x+3 वेयर वाई इज इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर y is equal to y belongs to natural number such that y is equal to 4x+3, ये small y represents capital y है और ये small y represents करते हैं arbitrary element of set y capital y, for x belongs to natural number, x belongs to natural number दिया, so that f is invertible find the inverse। तो सबसे पहले मुझे ये प्रूफ करना है कि f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है और उसके बाद मुझे फिर इसका इनवर्स भी निकालना है। तो सबसे पहले इसका प्रूफ करने का तरीका क्या है वो हम लोग मानते हैं। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए यह फंक्शन कब इन्वर्टिबल होगी, तो उसके लिए मैंने आपको एक नीचे में एक पॉइंट लिखाया था कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होती है यदि वो 1-1 एंड 1-2 दोनों होती है। तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे 1-1, चेक करेंगे फंक्शन 1-1 है कि नहीं। देखो 1-1 चेक करने का तरीका बताया, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट इंप्लाइज सच दैट fx1 बराबर fx2 which also implies that 4x1+3 is equal to 4x2+3 which implies that 3 cancel, 4x1 is equal to 4x2 that implies that x1 is equal to x2, so fx is 1-1 function। तो मैंने 1-1 function proof कर दिया। अब मैं जब 1-1 कर दिया तो अब मैं 1-2 चेक करता हूं, क्लियर हो गया। अब मैं 1-2 चेक करता हूं, देखिए आपको वन टू कैसे चेक करूंगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले कोई y का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लूंगा, लेट y belongs to set y, y क्या है set y से belong करता है, such that ये जो small y है which is equal to 4x+3, क्योंकि देखो 4x+3 क्या है image of fx है और ये y भी क्या है image of fx है, which implies that x equal to y-3y, जो x का वैल्यू y-3/4 देता है। तो मैं यहां पे ऑब्जर्व कर रहा हूं कि x के दैट मींस y के सॉरी x का कर रहा हूं y के हर एक रियल नंबर्स के लिए x का एक नंबर समझे मिल रही है, दैट मींस आप x का कोई भी नेचुरल नंबर आप x लीजिए, आप x का दैट मींस हम लोग को है बताया गया कि x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से, तो आप कोई भी x नेचुरल नंबर ऑब्टेन करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ y वी कैन गेट वैल्यू ऑफ x। तो यहां पे कह सकता हूं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y वी गेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो y यदि
कैपिटल वाई से बिलोंग करती है तो मैं एक्स का वो सारे कलेक्शन ऑब्टेन कर सकता हूं, मतलब क्या ये सेट एन से जो कि नेचुरल नंबर होगी। सो एफ एक्स इज वन टू फंक्शन, इसीलिए एफ एक्स क्या हो गया वन टू फंक्शन। जब यह एक फंक्शन वन टू हो गई तो डेफिनेटली रूप से यह इन्वर्टिबल होगी। अब हम लोग यहाँ पे क्या कि एक इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगी, बट इसमें एक और कंडीशन है उसे भी मैं चेक कर लेता हूं। सो इसे मैं मिटा देता हूं, ना वी डिफाइन ए फंक्शन जी फ्रॉम वाई टू एन। अब मैं एक गॉप ऑफ एक्स निकाल के चेक करता हूं, तो गॉप एफ एक्स के वैल्यू मैंने अभी क्या निकाल के रखा था, वो निकाला था वाई माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर। एक्स की जगह पे यदि मैं वाई माइनस थ्री बाय फोर पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, फोर इंटू वाई माइनस थ्री बाय फोर प्लस थ्री डिवाइडेड बाई फोर, फोर फोर कैंसिल, तो यहां से मुझे क्या मिल रही है जी ऑफ वाई वाई फोर, ये मुझे मिल रही है सॉरी जी ऑफ वाई। अब जी एफ वाई में यदि मैं जी एफ वाई मुझे मिल गया, अब गॉफ ऑफ एक्स हुआ और जी एफ वाई यदि मैं इसमें पुट करूं तो मुझे क्या मिल रही, तो यहां पे मैंने क्या किया गॉफ ऑफ एक्स निकाला, और गॉफ ऑफ एक्स यदि मैं निकालता हूं तो यहां पे एक्स के वैल्यू वाई माइनस थ्री बाई फोर था और एफ वाई माइनस थ्री बाई फोर का वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दिया तो मुझे जी वाई निकाला, और जी वाई का जो वैल्यू है ठीक वो क्या यहां पर गॉफ ऑफ एक्स है, ये जी वाई तो मेरा एक्स है, जी वाई क्या है एक्स है, क्योंकि ये हमेशा जी जो देगी वो क्या दे रही है एक्स, यही ना इसी का ना कोई एलिमेंट देगी। तो अब हम लोग ये मिल गया, अब हम लोग क्या करते हैं जी वाई क्या हुआ एक्स हो गया, क्योंकि मैंने एक्स का मान निकाला था ना, यहां से निकाला था पहले एक्स बराबर वाई माइनस थ्री बाई फोर, तो ये मेरी क्या हुआ जी वाई हो गया ना, क्योंकि वाई से आंसर मैंने यही से डिफाइन किया था। अब मैं फॉग ऑफ वाई निकाल लू, तो फॉग ऑफ वाई निकालूंगा तो एफ ऑफ जी वाई का मान मुझे कितना है जी वाई, तो जी वाई यदि मैं मान निकालू तो यहां से मैंने वाई टू एन डिफाइन किया, तो मैंने एक फंक्शन जो डिफाइन किया इस तरह से, तो यहाँ पे जी वाई बराबर मैंने क्या देगा जी वाई बराबर वाई माइनस थ्री बाई फोर, और इस वाई माइनस थ्री को यदि मैं इसमें पुट करूं तो क्या मिलेगा वाई मिल गया वाई, तो इस बार भी मुझे क्या मिला वाई ही मिला ठीक। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि दोनों कंडीशन में ठीक, यहां पे सॉरी एफ ऑफ एक्स था ना उल्टा लिखा गया, सॉरी यहां पे गलत लिखा गया, यहां पर गॉफ ऑफ एक्स था एफ ऑफ एक्स, एफ ऑक्स का मान एक्स प्लस थ्री था तो जी ऑफ एक्स, और जी एक्स मेरा वो था उसमें यदि मैं पुट करूंगा इसे तो क्या मिलेगा मुझे सॉरी एफ एक्स का मान मेरा फोर एक्स प्लस थ्री था, और जी फोर एक्स प्लस थ्री इसमें पुट कर दूंगा सॉरी जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स यही था इसमें पुट करूंगा क्या होगा एक्स की जगह फोर एक्स प्लस थ्री और माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर, इतना आ गया एक्स आ गया और यहाँ पर वाई आ गया। तो मैं देख रहा हूँ कि गॉफ ऑफ एक्स बराबर आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड फॉग ऑफ वाई बराबर आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई, सो यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो इनवर्स होगा वो क्या हो रहा है एफ इनवर्स जो हो जाएगी वो जी वाई के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये जी वाई ही ना है जो क्या कर रही है, मतलब ये एक जी वाई वाई का फंक्शन है, इसको मैं एक वाई नाम इसे मैं एक वाई का नाम दे सकता हूँ, आर्बिट्री एलिमेंट उसको वाई ले लूंगा और इसे मैं कोई फंक्शन मान लिया, तो चाहे तो आप कुछ भी मान सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर जी से डिफाइन किया इसलिए मैंने एक जी नाम ले लिया, तो और या फिर मैं बराबर जी वाई, और जी वाई का मान क्या होगा वाई माइनस थ्री वाई, ये इसकी इनवर्स हो गया और ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन भी हो गया। चलिए अब मैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, इसे मिटाता हूँ
24 नंबर एग्जांपल 24 में देखिए क्या कर रहा है 24 नंबर में बोल रही है कि y इज इक्वल टू n स्क्वायर such that n belongs to n तो कैपिटल y इज इक्वल टू बोल रही है कलेक्शन ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ n such that कैपिटल स्मॉल n इज belongs to capital N. Consider f from n to y. एक function n to y define की गई है. As fn बराबर है n square. So that f is invertible, find the inverse of f. सबसे पहले show करना है कि यह एक invertible function है. उसके बाद मुझे फिर जाकर के इसका inverse भी निकालना. तो सबसे पहले मैं इनवर्टिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करता हूं वन वन चेक करता हूं तो देखिए लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू विच इंप्लाई एफ एक्स वन का मैं यदि मान निकालू तो मैं ऑब्टेन करता हूं एन वन का स्क्वायर और ये होता है मुझे n2 का स्क्वायर तो दैट मीन्स x1 x2 लिखा हूं तो x1 का स्क्वायर ले लू और x2 का होल स्क्वायर ले लू अब मैं इसे इधर ले आऊं या इसको ऐसा करूं x1 का स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर बराबर जीरो व्हिच आल्सो इंप्लाइज दैट यहां से फिर आते हैं x1 प्लस x2 इनटू x1 माइनस x2 बराबर जीरो अब ये आइदर जीरो होगा दैट मीन्स x1 प्लस x2 बराबर जीरो और x1 माइनस x2 बराबर जीरो फिर x1 प्लस x2 बराबर जीरो होते यहां से मैं क्या ऑप्शन क्या x1 बराबर माइनस x2 व्हिच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि x1 और x2 दोनों क्या नेचुरल नंबर है तो इच अदर नेगेटिव कभी नहीं हो सकता और यहां से मैं ऑप्शन करूं x1 माइनस x2 बराबर जीरो सो x1 बराबर x2 ये पॉसिबल हो जाएगा इसका मतलब इस सो एफ एक्स क्या हो गया इज वन वन फंक्शन अब एफ एक्स से वन वन फंक्शन हो गया अब मैं वन टू चेक करता हूं वन वन हो गया अब वन टू चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे चलिए बता दी इसको अब हम लोग वन टू चेक करते हैं वन टू चेक करने के लिए देखिए क्या करते हैं वन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं लेट स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल सॉरी कैपिटल वाई दैट मींस इस एलिमेंट कोई आर्बिट्री एलिमेंट लिए इंप्लाई दैट वाई बराबर है एन स्क्वायर और इंप्लाई दैट एन बराबर क्या होगा अंडर रूट वाई तो क्लियरली है कि वाई के हर एक एलिमेंट के लिए एन एग्जिस्ट करेगा ठीक तो यहां पे कहेंगे क्लियरली फॉर ऑल y belongs to n तो y के हर एक एलिमेंट्स के लिए n स्क्वायर के फॉर्म में y belongs to n स्क्वायर लिख लीजिए x belongs to n so where यहां पे ये भी लिख लीजिए आप लोग n belongs to natural number है f is one to function और यह एक one to function हो गई so f is क्या हो गया इनवर्टिबल फंक्शन हो गई क्योंकि जो फंक्शन वन वन एंड वन टू दोनों होती है वो फंक्शन इनवर्टिबल होती है अब इसके बाद इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ तो ये जो हुआ मेरी एन बराबर अंडर रूट वाई तो एन बराबर सॉरी तो एन बराबर अंडर रूट वाई है तो एन बराबर जो अंडर रूट वाई आया तो सो अब मैं एक समझ रहा कि एफ एक इनवर्टिबल फंक्शन है जब f एक इन्वर्टिबल फंक्शन हुआ तो हम लोग निकाल सकते हैं सो f इनवर्स जो हो गया ना ये जो एलिमेंट्स जो मैंने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट्स का इनवर्स के फॉर्म में निकाला उसी फॉर्म में आ जाती है इसकी इनवर्स फिर इनवर्स क्या हो जाएगा अंडर रूट y हो जाएगी चलिए या आप ऐसा लिख सकते हैं f इनवर्स y है ना y को x रिप्लेस कर देगी क्योंकि x के फॉर्म में लिखना पड़ता तो f इनवर्स बराबर हो जाएगी अंडर रूट x हो जाएगी चलिए अगले क्वेश्चन जो हम लोगों को मिलता है एक्स में तो लिखिए वाई रहने दीजिए क्योंकि वाई के फॉर्मेट में
अगला क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, उसमें लिखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 24 था, ये याद रखिएगा। अब हम लोग 25 पे डिस्कस करते हैं। ट्वेंटी फाइव को मैं आप लोगों को बता दूं, ध्यान से देखिए। यहां कह रहा कि एफ डैश एक फंक्शन है 25 में, जो कि नेचुरल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। ये फंक्शन डिफाइंड बाय एफ डैश एक्स, इसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव मत मानिएगा, क्योंकि इस फंक्शन केवल नाम दिया हुआ है। 4x² + 12x + 15, सो दैट एफ फ्रॉम एन टू एस, एस इज द रेंज ऑफ एफ। तो आप कह रहा है कि मुझे शो करना है कि एफ एन टू एस जो है इज इन्वर्टिबल, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। तो यहां एस जो है रेंज ऑफ एफ है, तो मुझे शो करना है कि यह फंक्शन इन्वर्टिबल है एज वेल एज यह एक, और इसका इन्वर्स भी निकालना है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर, सच दैट। इसका दो तरीका से हम लोग देखिए, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन दो तरीका से बनाया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से मैं एक बहुत सिंपलेस्ट तरीका का यूज हमेशा कर रहा हूँ। 1112 बहुत ही इजीली हम लोग बता सकते हैं, एक और भी तरीका उसे भी आप निकाल सकते हैं। तो एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एन, सच दैट एफ एक्स बराबर है एफ एक्स टू, विच इज इंप्लाइज दैट 4x² + 2x 12x1 + 15 = 4x² + 12x2 + 15 कैसे। ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि दैट इंपल, इसको यदि मैं इधर कर लू तो क्या होगा, 4 × x² - x² + 12 × x² - x2, और यहां एक्स वन और एक्स टू दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, यहां से लिख सकता हूं 4 × x² - x2 + 12 × x² - x2 = 0। दैट इंप्लाई दैट यदि दोनों से मैं कुछ कॉमन ले लूं 4 × x² - x2, तो हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, x1 + x2 + 3 = 0। ये उधर चले जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसलिए क्या बचेगा 4 × x² - x2 = 0। क्योंकि देखिए ये 4 है, उधर जा सकते हैं, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, यह 3 है, तो ऑटोमेटिक ये कोई ना कोई नंबर होगी उसमें भी नेचुरल होगी, तो इसलिए हम लोग उधर राइट साइड करेंगे तो डिविजन में जाएंगे, तो उसको कैंसिल कर देंगे, इसलिए क्या देंगे x1 = x2। और जब x1 = x2 आ जाएगा तो एफ बराबर क्या होगा, एफ एक्स इन 1 फंक्शन हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगी। अब हम लोग इसकी 1 2 चेक करते हैं, 1 2 कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया है 1 2 कैसे चेक करते हैं। देखिए 1 2 बोल दीजिए, 1 2 कैसे चेक करते हैं, लेट ए आर्बिट्रेरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, सच दैट डेफिनेटली रूप से यह कोई ना कोई इमेज होगी किसकी, एफ एक्स की, सो वी कैन राइट 4x² + 12x + 5, दैट इंप्लाइज y इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज 2x + 3² और 3 का स्क्वायर इसमें आ जाएगा 9 ऐड हो जाएगा, तो उधर मैंने क्या लिया सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगी, तो 5 - 9 दैट इंप्लाइज दैट y, ये जो कितना -4 इधर आ जाएगी तो +4 विच इज इक्वल टू 2x + 3² सो मैं लिख सकता हूं इसे क्या 2x + 3 = अंडर रूट y + 4 + - और x का मान उधर इस तरह जाएगा तो क्या होगा -3 + - √y + 4 / 2। अब देखो यहां पे मेरी कंडीशन है कि s ये बता दिया, अच्छा यहां पर तो कहने की कोई बात ही नहीं है, ये x का मान आ गया, अब यहां पे बता दिया कि s जो है रेंज ऑफ f है, और s जो है रेंज ऑफ f है, तो इसका मतलब हुआ कि x का यहां पे दो वैल्यू मुझे एग्जिस्ट कर रही,
इस तरह से इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है कि इस जितने भी वाई है वाई के लिए कोई ना कोई प्री इमेज मुझे मिल रही है और दो इनवर्स एक ही चीज का दो इनवर्स एग्जिस्ट कर नहीं सकती है। तो मैं ओपन करूं माइनस थ्री प्लस माइनस अंदर रूट वाई प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू, तो यहां पे मैं यदि चेक करूं तो ये निगेटिव वाले यदि पार्ट को मैं लेने का कोशिश करता हूं तो क्या ऑप्टेन करता हूं, ध्यान से देखिएगा ये निगेटिव और ये भी यदि निगेटिव हो तो टोटल का टोटल एक्स क्या होगा निगेटिव हो जाएगी और एक्स निगेटिव मुझे यहाँ पे दी हुई नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे डेफिनेटली रूप से क्या होगी, सो ऐसे यहाँ पे लिखिए बोलिए क्लियरली एक्स बराबर मेरे क्या हो गया अंदर रूट टू वाई प्लस फोर और माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू हो जाएगी। अब ये एक्स का वैल्यू, अब देखिए ऐसे भी बता दिया था क्वेश्चन में भी कि एस बराबर रेंज ऑफ एफ है, तो क्लियर है क्यू वन टू ऐसे इतना करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिए क्लियरली, बट ये करना जरूरी इसलिए है क्योंकि एक मुझे इनवर्स भी निकालना था, क्लियरली एफ इज वन टू, सो हम लोग इस प्रोसेस से यहां तक निकले, तो मैं तो मुझे मालूम है कि एफ इनवर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं जी ऑफ एक्स हो जाएगी जी ऑफ, तो यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट वाई प्लस फोर, यहाँ पे हम लोग इजली इसको क्या लिख सकते हैं, सो जी इनवर्स बराबर अंडर रूट वाई प्लस फोर की जगह पर क्या लिख सकता हूं एक्स प्लस फोर और माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू जी वाली मान सकते हैं, ये मेरी फंक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक्स का एलिमेंट निकाल करके वाई को आप एक्स से रिप्लेस कर दीजिए इनवर्स निकल जाएगा, जी वाई भी मत लिखा दीजिए ठीक, तो आपको बहुत ही शॉर्टकट में भी निकल जाएगी, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगी, तो बहुत ईजी होगी इनवर्स निकालना। अब मैं आपको बताता हूं एक न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 26 में देखना, इसमें कहता है कंसीडर एफ फ्रॉम एन टू एन, एक क्वेश्चन है जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर फंक्शन डिफाइन है और जी इज एल्सो डिफाइन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल और एच जो है वो नेचुरल टू डिफाइन है, तो यहां पे कहता है डिफाइन द एफ एक्स बराबर टू एक्स और जी वाई बराबर थ्री वाई प्लस फोर। अब देखो एफ एक्स बराबर टू एक्स जी वाई बराबर थ्री वाई प्लस फोर एंड एच जेड बराबर साइन जेड, और मुझे शो करना है कि एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू है एच ऑफ जी ऑफ एफ। चलो मैं एलएचएस का पहले सॉल्यूशन करता हूं, एच ऑफ जी ऑफ एफ यदि मैं निकालू तो इट कैन बी रिटर्न एज एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का वैल्यू मुझे कितना टू एक्स, एच ऑफ जी ऑफ टू एक्स, जी ऑफ टू एक्स कितना लिख सकता हूं सिक्स एक्स प्लस फोर और सिक्स एक्स प्लस एच ऑफ सिक्स एक्स प्लस फोर बना भी क्या साइन सिक्स एक्स प्लस फोर ये आ गए। अब मैं निकालता हूं एच ऑफ जी ऑफ एफ, इट कैन बी रिटर्न एज एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स विच इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स का जो वैल्यू मुझे कितना है टू एक्स, एच ऑफ जी ऑफ टू एक्स का मान मैं क्या लिख सकता हूं सिक्स एक्स प्लस फोर और फाइनली इसे भी मैं लिख सकता हूँ सिक्स एक्स प्लस साइन सिक्स एक्स प्लस फोर, इसका मतलब क्या दोनों इक्वल होगा, सो प्रूफ दैट मीन्स जो मुझे प्रूफ करना था मैंने प्रूफ कर दिया। अब इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक थ्योरम के फॉर्म है थ्योरम नंबर वन, देखिए इस थ्योरम को क्या करें, देखिए थ्योरम वन क्या बोल रही है, इफ एफ फ्रॉम एक्स टू वाई एक फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई
and g is different from y to z. And h is different from z to s. H is defined with z to s defined. Our functions then prove that h of g of f is equal to h of g of f. ये मुझे प्रूफ करना है. चलो हम लोग चलते हैं. कैसे प्रूफ करना? तो सबसे पहले से लिखिए, पहले एलएचएस का पार्ट लेते हैं. एलएचएस में मुझे दिया हुआ है h of g of f. क्या मैं इसे लिख सकता हूं इस तरह से, h of g of f x? और यदि मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं तो इसे फिर लिख सकता हूं h of g of f x. क्लियर ना? RHS की तरफ चलता हूं. RHS की तरफ चलूं तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, h of g of f x दैट इज इक्वल टू, इसे लिख सकता हूं h of g of f x. और इसे फिर मैं लिख सकता हूं h of g of f x, क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टी मैंने आपको बता चुका हूं. सो LHS बराबर RHS प्रूफ. ये हो गई मुझे मेरी कौन सी फंक्शन वन लिखा गया सही क्वेश्चन. ये थ्योरम नंबर वन है, उसी का एग्जांपल वन के एग्जांपल जो थी ना 26 के बाद का थ्योरम नंबर वन है. मैं अब 27 का कंसीडर करता हूं. देखिए 27 क्या है, ठीक. देखिए 27 अच्छी क्वेश्चन है. चलो देखो ध्यान से देखना भाई. सबसे पहले 27 हम लोग लिखते हैं. 27 में कहता है कि f इज डिफाइंड एज 1 2 3 टू एबीसी एंड g इज डिफाइंड फ्रॉम एबीसी टू अपर बॉल कैप. और एक फंक्शन g डिफाइंड है, वो है एबीसी टू एप्पल बॉल कैट. एबीसी टू एप्पल बॉल कैट. उसके बाद बोल रहा है 1 2 a 2 जो है b. देखिए क्वेश्चन में जो लिखा हुआ ना उस डायग्राम को एक बार ऐसे लिख देता हूं मैं. f1 = a f2 = b f3 = c और जी भी डिफाइन इस तरह से जी ए बराबर एप्पल, जी बी बराबर बॉल, जी सी बराबर कैट. तो इसमें कहता है सो दैट एफ जी एंड गॉफ आर इनवर्टिबल एंड फाइंड आउट एफ इनवर्स जी इनवर्स एंड गॉफ इनवर्स एंड सो दैट. तो सबसे पहले मुझे प्रूफ करना कि एफ जी दोनों क्या वो इनवर्टिबल और उसका दोनों का इनवर्स निकालना. पहले देखिए मैं f के लिए लिखता हूं, f जो फंक्शन है मैं एक सेट a मान लिया और एक सेट b मान लिया. एक का जो एलिमेंट है वो 1 2 3 है और b का a b c है. ये इस तरह से एसोसिएटेड है और यहां पर ये है. यहां से क्लियर है कि यहां लिखना है पहले क्लियरली f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि देखिए 1 1 भी है और 1 2 भी है. So, f is invertible. और invertible है और f inverse जो होगी वो कहां से कहां हो जाएगी, ये इधर आता है कि ये उधर चली जाएगी. That means इसको मैं कह सकता हूं कहां, abc to 1 2 3 such that f inverse 1 बराबर sorry f inverse, इसी में f inverse का कोई function नाम लिया जी, f इनवर्स a बराबर 1, f इनवर्स b बराबर 2 और f इनवर्स c बराबर 3. ये मेरी इनवर्स होगी. अब मैं ये पहला क्वेश्चन का इसमें आंसर होगा. इसमें कई पार्ट्स इस क्वेश्चन के, पहला पार्ट का आंसर है क्योंकि इसमें प्रूफ करना है पहला कि f 27 में पहला प्रूफ करना है कि f g एंड गॉफ आर इनवर्टिबल. तो मैंने f एक इनवर्टिबल है वो प्रूफ कर दिया.
एफ इनवर्स भी निकालते हैं। अब मैं जी के बारे में लिखता हूं, चलिए हो गया। अब जी में क्या कहता है वो देखिए, जी में देखिए क्या, देखो जी में क्या, मैं मान लिया कोई सेट एक्स है, ये मेरा वाई है, और ये जी जो है ये ए बी सी टू एप्पल बॉल कैट, तो यहां से यह भी क्लियर है, क्लियरली जी इज बाइजेक्टिव फंक्शन, सो जी एक्स इज इन्वर्टिबल फंक्शन। और जी जब इन्वर्टिबल हो जाएगी तो उस केस में किस तरह से डिफाइन होंगे, तो जी इनवर्स इज डिफाइंड, यदि मैं इसी मान लेता हूं जी इनवर्स को एच एक्स, तो इस केस में मैं एच एक्स को जी इनवर्स बराबर इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं, एप्पल बॉल कैट टू एबीसी, क्योंकि एप्पल बॉल कैट से एबीसी जब मैंने बताया था कि इनवर्स डिफाइन होता है को डोमेन वाला पार्ट, दैट मीन्स रेंज वाला पार्ट डोमेन में आ जाता है, डोमेन वाला पार्ट किसमें चले जाता है रेंज में चले जाता है, तो ये भी जीबी वाला डिफाइन हो गया, और इसका इनवर्स में मैंने निकाल दिया इस तरह से हो जाएगा, और इसमें सॉरी एक लाइन लिख लीजिएगा लास्ट में, ये लास्ट लाइन लिखने के बाद इसमें जी वाला में कि जी इनवर्स एप्पल बॉल कैट टू एबीसी सच दैट जी इनवर्स एप्पल जो होगी वो ए आएगी, जी इनवर्स बॉल जो आएगी वो बी जाएगी, जी इनवर्स कैट जो जाएगी वो सी जाएगी। ये मेरी डेफिनेशन हो गई किसकी, जी इनवर्स की। चलो अब ये हो गया, अब मैं बताता हूं इसमें एक और क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि गॉफ एक्स इज एल्सो इन्वर्टेबल एंड गॉफ भी इन्वर्टेबल और उसका इनवर्स भी मुझे निकालना है। सबसे पहले मैं गॉफ यहां से निकालना तो कोशिश करता हूं, गॉफ मुझे कहां से कहां डिफाइन होगी, मैंने डिफाइन सिखाया था कि यदि आप ए टू बी हो जी बी टू सी हो देन गॉफ इज डिफाइन फ्रॉम ए टू सी, दैट मीन्स वन टू थ्री टू क्या एप्पल बॉल कैट, जब वन टू थ्री टू एप्पल बॉल कैट होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यदि एक सेट ए बना लू वन टू थ्री डाल दू और एक सेट बी बना दू इसमें मैं डाल दू एप्पल बॉल कैट, तो यहां से वन एप्पल में दो बॉल में थ्री कैट में, तो इसका नाम यदि मैं गॉफ दे दू तो क्लियरली गॉफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन, सो इट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। अब यदि मैं गॉफ इनवर्स निकालूं तो मैंने बताया था कि सिंपली यदि गॉफ इनवर्स को मैं मान लिया एस एक्स, तो एस एक्स को मैं बोल सकता हूं कि गॉफ इनवर्स बराबर क्या होगी बी टू ए डिफाइन होगी सच दैट एप्पल बॉल कैट, एप्पल बॉल कैट से कहां चले जाएगी, एप्पल बॉल कैट से कहां चले जाएगी वन टू थ्री, और इसमें और भी पॉइंट्स होंगे जो कि मैं ऊपर में लिख रहा हूं, चलिए इसे मिटा देता हूं, और सच दैट में लिख लीजिएगा सच दैट गॉफ इनवर्स में करेक्शन कर लेता हूं एप्पल बॉल कैट वन टू थ्री, इसका नाम बी इसका नाम ए ले लीजिए, इस तरह से गॉफ भी डिफाइन हो गया। अब इसमें लास्ट में कहता है प्रूव दैट गॉफ इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, अभी ये जो बातें बोली एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, तो यहां से तो क्लियर है कि गॉफ इनवर्स एप्पल के लिए वन बॉल के लिए टू कैट के लिए थ्री, यह है।
अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चलिए इसी में बताता हूं, इसको याद रखिएगा गॉफ इनवर्स किस तरह से डिफाइन था। ठीक, अब क्वेश्चन में जो है वो पहला है प्रूफ करना कि एफ इनवर्स ओ ऑफ जी इनवर्स, तो एफ इनवर्स ओ ऑफ जी इनवर्स ये, तो इसके बारे में मुझे कंसीडर करना है। तो जब गॉफ को मैं डिफाइन करता हूं तो ए टू सी डिफाइन होता है और ये एफ इनवर्स ओ इनवर्स जी, तो यदि मैं एफ इनवर्स को मान लिया एच और जी इनवर्स को यदि मैं मान लिया पी, एच ऑफ पी हो जाएगा और एच जो है डिफाइन वो कहां से कहां है, वो है एबीसी टू वन टू थ्री, और पी जो है वो कहां से कहां, दैट मीन्स जी इनवर्स एप्पल बॉल केक टू एबीसी। आगे अब ये बोल रहा है कि इसका एच ऑफ पी, तो पी जो होता है इस केस में ये पी से एच के डिफाइन होगा, इसका मतलब क्लियरली कि देखो एच जो है वो जी एफ इनवर्स है, तो एच एफ इनवर्स है तो एबीसी टू वन टू थ्री चले गए, और जी जो है पी इनवर्स के बराबर है, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स जी इनवर्स जी, तो जी जो है पी इनवर्स जी इनवर्स के बराबर मेरा पी माना, तो ये अपर बॉल के टू एबीसी चल जाएगा। तो इस केस में यदि मैं एच ऑफ पी निकालू तो डेफिनेटली रूप से मुझे यहां पर क्लियर पता चल रहा है कि ये एबीसी टू कहां डिफाइन होगी, देखो एबीसी ये इसका कोडोमेन का पार्ट है इसका, और ये क्या है रैंज, तो क्लियरली डिफाइंड फ्रॉम कहां से कहां, एबीसी टू वन टू थ्री, और क्या इससे पहले मैंने जो गॉप डिफाइन किया था वो भी एबीसी टू वन टू थ्री था कि नहीं था, इसका मतलब गॉफ इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जी हो जाएगा। अब हर एक एलिमेंट का आप निकाल के देख सकते हैं, आप यदि गॉफ इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एच ऑफ पी निकाल के देख लीजिए, यदि आप ए का लीजिएगा तो वन आ जाएगा, और जैसे कि मान लिया ए टू निकालते हैं, मान लिया कि मैं निकालता हूं एच ऑफ पी, यहां पर निकालू एच ऑफ पी ऑफ ए, तो देखो मुझे क्या आती है, और उधर जो आप गॉफ इनवर्स निकाले तो उसमें भी आप देखिए, तो उसमें ए वन को एसोसिएट करता बी टू को, तो उसी तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए, तो एबीसी ए किसको एसोसिएट कर रहा है वन को, हॉप टू किसको एसोसिएट कर रहा है बी टू को, हॉप थ्री किसको एसोसिएट कर रहा है सॉरी हॉप सी किसको एसोसिएट कर रहा है थ्री को, इसका मतलब क्या हुआ दोनों का इनवर्स बराबर आ रहा, तो इसीलिए अभी क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते 28 के तरफ, 28 में देखिए 28 से पहले एक थ्योरम है, उस थ्योरम को पहले मैं आप लोगों को प्रूफ करके बताता हूं। में देखिए क्या है, पहले एक थ्योरम है थ्योरम टू, इस तरह की जनरली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि इसमें आपको बताया था 20 एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछने का चांस रहेगा मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि इसमें आपको जो मैंने बताया था अभी इसमें 23 नंबर क्वेश्चन हो गया, 25 नंबर क्वेश्चन हो गया, उसके बाद फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यही दो तीन क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बोला वही क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन को पूछता नहीं है, ठीक है, वो सिंपल आपको इन्वर्टिबिलिटी चेक करने के लिए बोलेगा और इनवर्स निकालने के लिए बोलेगा। देखिए थ्योरम नंबर टू क्या बोल रहा है, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम लेट ए फंक्शन एफ फ्रॉम इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई, कोई फंक्शन एक्स टू वाई डिफाइन है और जी कोई फंक्शन वाई टू जेड डिफाइन है और बीट दोनों का दोनों इन्वर्टिबल फंक्शन है, देन गॉप इज एल्सो इन्वर्टिबल, तो मुझे प्रूफ करना है कि गॉप भी इन्वर्टिबल है और गॉप इन्वर्टिबल है, और साथ ही साथ मुझे प्रूफ करना है गॉप इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ओ ऑफ जी इनवर्स जी, तो ये मुझे प्रूफ करना है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए, और इसके बराबर ही प्रूफ करना है, सबसे पहले करता हूं कि
we have to show that a Goff inverse exists, na? We have to show that Goff inverse exists. तो सबसे पहले यदि ये एग्जिस्ट मतलब इन्वर्टिबल है कि नहीं, इसे प्रूफ करने के लिए यही काफी, यदि मैं गॉफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ओ ऑफ जी इनवर्स निकाल लूं तो मुझे पर लगता है कि ये डेफिनेटली, क्योंकि मैं अभी गॉफ इनवर्स बराबर क्या निकाला था, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स. अब मैं इसे कैलकुलेट करके देखता हूं. बाय एसोसिएटिव लॉ वी कैन राइट जी ऑफ एफ इनवर्स, ये पूरे एफ इनवर्स से याद रखिएगा, ये एफ इनवर्स इसका नहीं है, जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स लिख सकता हूं इसे. अब देखिए एफ ऑफ एफ इनवर्स बराबर क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन तो वो रहा है क्योंकि फायदा नहीं होगा, और जी ऑफ जी इनवर्स क्या रहा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा. सो गॉफ इनवर्स exists and equal to f inverse of g inverse. आगे सर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखता हूं, यह भी छोटा क्वेश्चन है. देखो 28 क्वेश्चन 28 में कह रही है कि S एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 है. डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ फ्रॉम S टू S, मुझे चेक करना है S टू S डिफाइन तो बिलो है, फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट. तो नीचे में जो डिफाइन किया हुआ फंक्शन है मुझे चेक करना है कि वो फंक्शन, पहला क्वेश्चन देखिए, इन्वर्टिबल है कि नहीं. यदि वो इन्वर्टिबल है तो उसका मुझे कह रहा है इनवर्स निकालने के लिए. आप इस डायग्राम से बहुत ही इजीली समझ सकते हैं, इसलिए इसको बनाना भूले मत. वन का इस कोडोमेन का पार्ट है पहला एलिमेंट, सॉरी डोमेन का पार्ट 1, 2, 3 और कोडोमेन हो गया 1, 2, 3, इसको मैंने लिख दिया रेंज हो गया 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से एसोसिएट कर रहा है. तो क्लियर क्या, यदि मैं इसका नाम आप दू क्लियरली तो देख लीजिए बाइजेक्टिव फंक्शन, सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट्स. और मैंने यह भी बताया कि यह जो होती है कोडोमेन का जो रेंज की जो पार्ट है वो डोमेन बन जाता है, ठीक, और डोमेन का जो पार्ट है वो रेंज बन जाता है. और यह जो हो जाएगी मेरा एफ इनवर्स किस तरह हो जाएगा, यह भी मेरा 1, 1, 2, 2, 3, 3 हो जाएगा. चलिए मैं इसी का एक सेकंड पार्ट है बी नंबर, ये नंबर है 28 का ए, मैं इसका बी नंबर का एक्सप्लेनेशन करता हूं. बी नंबर में देखिए एफ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1, 2, 2, 1, 3, 1 और उसके बाद बता रहा है कि ये चेक करना है कि इन्वर्टिबल है कि नहीं. यदि मैं इसे ए मान लू, एक इधर डब्बा बना लू, बी मान लू 1, 2, 3 और इधर मेरे रेंज में 2, 1, 1 तो केवल 2, 1 ही लेकर के छोड़ देता हूं, 1, 2 से 2, 1 से 3, 1 से. तो देखिए क्लियर है, इसका नाम भी एफ ही दिया हुआ, एफ इज नॉट इन्वर्टिबल. वाई यहां लिख लेते हैं बिकॉज एफ इज नॉट 1, 2 फंक्शन, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होती है यदि वो फंक्शन बाइजेक्टिव होती है, और बाइजेक्टिव होने के लिए उसे 1, 1 और 1, 2 दोनों होना जरूरी है. लोग लिख लिए इसी में डालते. चलिए अब 28 का एक पार्ट सी है, एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है 1, 3, 3, 2
टू वन, और मुझे प्रूफ करना है कि यह फंक्शन वन इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो मैं इसका भी डायग्राम बना लू, ए बना लू, इधर मैं सेट बी का एलिमेंट लिख लू वन थ्रू टू, और इसका मैं वन टू वन, सॉरी थ्री टू वन है, तो थ्री टू वन लिख लिया, वन जो है थ्री को एसोसिएट कर रहा है, थ्री जो है टू को कर रहा है, टू जो कर रहा है वो वन को कर रहा है, क्या हम क्लियरली एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन, सो एफ इनवर्स जो होगी वो क्या, ये सारा जो इनवर्स हो जाएगी, ये वन थ्री है तो थ्री वन हो जाएगी, ये थ्री टू है तो ये टू थ्री हो जाएगी, ये टू वन है तो वन टू हो जाएगी, इस तरह से मैंने किया। ओके, एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बताते, अब मैं फिर आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में इसके चैप्टर्स की सॉल्यूशन को बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इसके चैप्टर्स को, ठीक। फिर हम लोग आप लोगों को एक नए वीडियो में मिलते हैं, और मैंने आप लोगों को बताया कि आपको हर एक चैप्टर्स की सॉल्यूशन अपलोड कर दी जाएगी यूट्यूब पे, और आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे, और आप लोग से बस एक ही चीज है कि आप लोग कोशिश करें कि मेरी वीडियो एक से देखना प्रारंभ करें, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक। चलते हैं फिर, हम आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स ऑल ऑफ यू।